चलो आ जाओ, वैसे इसकी भी ज़रूरत नहीं है, चलो उसको देख लेना बाद में, अब हमें देख लो। आ जा। हाँ सर, आपको फॉलो भी किया है? यस सर, दोनों ने। अच्छा अच्छा हाँ, हम देखेंगे, हमने तो खोला नहीं। हाँ हमें ठीक, उसमें वो मैसेज डाल देना, हम देख लेंगे ना। चलो बात करें अपने कक्का की, है ना, सिगमंड फ्रायड। आपके जो साइकोलॉजी है ना, उसमें नहीं, हाँ यार कुछ भी साइकोलॉजी यही है। हाँ ये वही तो, ठीक है सही है, ऐसे ही पहले आता है, है ना। अब सही आप इसमें आगे स्पेलिंग भूल जाते हैं, छड़े छड़े चीज़ें जब आंसर राइटिंग करते तो अच्छे से आती हैं, इधर भूल जाते हैं, क्योंकि इन पे भैया पे फोकस है, साइकोलॉजी तो इनका सब्जेक्ट है ना। अच्छा, इनने किन किन चीज़ों पर बात करी है? बाल मनोविज्ञान पर इनने बात करी, पहले देख चुके हैं हम, है ना, उस पर इनने बहुत कुछ किया है ना। और हाँ, वयस्क मनोविज्ञान पे भी। अच्छा, हम हिंदी में क्या बता रहे हैं, कि बाकी तुम्हारा हिंदी में है ना, ठीक है, है ना। एडल्ट साइकोलॉजी एंड चाइल्ड साइकोलॉजी, दोनों चीज़ों पे इनने बात करी है ना। अब देखो, एक ऐसी बात जो इसको भी अपन समाज में ना लोग डरते हैं बात करने से, हमने बोला तो ओ माई गॉड मूवी देखना, है ना, तो ओ माई गॉड मूवी जो है उससे तुम्हें समझ में आता कि यार क्या है कहानी। इतने जो क्राइम होते हैं ना, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं, हाँ बहुत सारे ऐसे आजकल के जो घटनाएं होती हैं, बहुत सारे रेप हो रहे हैं, कुछ लड़के सुसाइड कर, लड़कियां सुसाइड कर रही, अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना वो चीज़ शामिल कर दी जाए जिससे समाज बचता है, तो ये नाटक ना हो। मतलब भाई हर चीज़ को पढ़ाने का तरीका होता है, जिस एजुकेशन को समाज देना नहीं चाह रहा उसको पढ़ाने का तरीका होता है। ऋषि मुनि के समय से पढ़ाया जाता रहा है, खजुराहो का जो है ना कंदरिया महादेव मंदिर टेम्पल, है ना, उनको तो हाँ उनको तो कोई अश्लील नहीं बोलता, लोग पूजा करके जाते हैं, उसके अंदर शंकर जी की पिंडी है, भाई उसको आप गलत नहीं बोलते। एजुकेशन को आप गलत बोलते हो, है ना, एडल्ट एजुकेशन, उसको आप गलत बोलते हो। तो हमारे समाज में इसको एक स्कूल के सिलेबस में, करिकुलम में शामिल करने की मुहिम है ओ माई गॉड मूवी, और फॉरेन में इस पर काम हो गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल जी भैया कर चुके, इसलिए एक जो अच्छा टीचर होता है ना, उसको ये सारी साइकोलॉजी पता होती है, कौन किस समय पे कब पढ़ने के लिए रेडी है, कब नहीं है, कब किस चीज़ से क्या पता चलता है, बहुत कुछ। बीएड करोगे तो भैया मिलेंगे, साइकोलॉजी में तो भैया मिलेंगे, इंग्लिश पढ़ रहा है तो भैया है, हर सब्जेक्ट में घुस जाते हैं, मतलब कछु अच्छा किया कक्का, ठीक है। तो इनका तो इनने बहुत कुछ योगदान दिया। अब हमारे जो सिलेबस में है ना, उसमें आपकी जो फर्स्ट ई पेपर है उसके ही हेडिंग्स में, कीवर्ड्स में एक बात अपन ने लिखी है, वो अपन ने क्या बात लिखी है वो देख लो, है ना। ही इंट्रोड्यूस टू कॉम्प्लेक्स, है ना, है ना, एक और दूसरा है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, है ना। व्हाट यू मीन कॉम्प्लेक्स? दैट मीन्स एक स्थिति। अब सुनना, एडिपस कॉम्प्लेक्स बोलता है, है ना, अगर ये बात अभी तुम्हारे स्टूडेंट के सामने हम ना करके कोई समाज के सामने कर देना तो हमको जूते घले, है ना। पता है क्या इसमें कहा गया है, कि एक बच्चा होता है ना, वो माँ के प्रति आसक्ति रखता है, और एक माँ अपने बच्चे के प्रति, लड़के के प्रति आसक्ति रखती है, अट्रैक्शन, जिसको हम इस चीज़ के इससे जानते हैं, है ना। और अब इसमें सब कछु हर प्रकार का आ जाता है, तो बोलते हैं कि एक मदर, है ना, एंड सन। अब जब ये बात इनने बोली थी ना, तो बहुत धज्जियाँ उड़ाई गई होंगी, है ना, लेकिन धीरे धीरे जब रिसर्च की तो इनने भी रिसर्च करके ही बोला था, इनने बोला था कि एक सही है, कि तुमने देखा होगा लड़का की और मम्मी की पटती है, है ना, लड़का की और मम्मी की अच्छी पटती है, मम्मी को अपने हस्बैंड से ज़्यादा लड़का ही पसंद होता है कि भैया मेरे आँख को तारो, हाँ मोड़ा को बचाने के चक्कर में कई बार खुद डंडा खा लेते, है ना। तो इसमें ये होता है, मतलब एक अट्रैक्शन होता है,
इन दोनों का एक दूसरे के प्रति. दिस इज कॉल्ड द अट्रैक्शन ऑफ ईच अदर एंड लव. उसको हम बोलते हैं ईडीपस कॉम्प्लेक्स. इसलिए दोनों की अच्छी जमती है, मम्मी को पसंद होता है, जिन्हें भी जब भी कछु नाटक हो जात जाकर रोल लगत है ना, सबरे नाटक होते बाप सतना कि इनकी पटाते अपनी भाषा में देखें पट देखा था अरे वो तो घर आ फिर से दूर रहो है ना. पहली चीज. दूसरा इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे ये बात हो जाती है कि एक जो डॉटर होती है ना एक फादर और डॉटर का बाउंड होता है ना. तन्नक कछु काम है कछु नाटक होगा तन्नक पापा के सामने मम्मी के सामने तुम रो हो तो बे आकर तो लपाड़ दे हैं तन्नक पापा के सामने अपन ने तन्नक कचाइए कचाइए रुको 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 देख रहा हूँ एक मिनट 5000 चाहिए ना जला कौन सी ड्रेस चाहिए थी और कछु नहीं बस समझ गए ठीक है. मतलब एग्रीमेंट पे अगर साइन कराना हो तो बस जर्रा सो ठीक है ना. ये इन दोनों का बॉन्ड होता है. अब इसमें इसने बहुत कुछ बोला है, मतलब पूरा शामिल किया है. एक एक रियल एग्जांपल देखते हैं. देखो हमने रियल में किसी से पूछा था और जब हमने इस सेगमेंट फ्लाइट को पढ़ा नहीं था हमने, हम लोग भी कॉलेज में थे तो हमने एक लड़की से पूछी कहा तुम शादी करो अपना हस्बैंड तो बताओ तुम्हें कैसे कैसे चाहिए इतनी हिम्मत दिखा ली है ना. तो कछु तो तनक बिगड़े आग बोली तुम कहाँ मारे जा रहे है? हमने कही अरे यार तनक बहुत हमें साइकिल सीखने हाँ तुम बढ़ लो प्रोफेसर अब टाइम पे तो यहाँ सिगर याद इतनी सब भाई पता है तुम तुम्हारी खुद की हिम्मत है तुम्हें करने का. अरे हमने कही भाई लप्पड़ लप्पड़ खाने तक की नौबत थी मगर कहा ना कि सबके संग हिम्मत आजाद हमारे मित्र थे पूछ तो ले रे हाँ मेरा दूसरे जानने थी. वहाँ एक बात पता चली कि एक जो लड़की होती है वो हमेशा ये चाहती है कि उसका जो होने वाला हस्बैंड हो ना उसके पिता जैसा हो, उसकी केयरिंग करता हो, उसको समझे है ना. मतलब एक नहीं हमने दो तीन लोगों से पूछा अलग अलग, उन्होंने ये बताया कि हर लड़की यही चाहती है कि उसको उसके पिता के जैसा हस्बैंड मिले जो उसके जैसा उसको समझे, बात करे, केयरिंग करे, इज्जत करे. ये तीन चीज़ों के लिए हर एक फीमेल रहती है. तो ये बॉन्ड बताया. और जाके आगे जाके जब हमने बीएड करी ना तो हमने एक बात हमें बड़ी खुशी हुई कि हमने आज से 4 साल पहले 5 साल पहले कॉलेज के टाइम पे हमने जो बात पूछी थी वो तो हमसे पहले सिगमंड फ्रायड जी कर चुके थे. कॉलेज लाइफ ये सब जीने की होती है समझे है ना. एक बच्चा सोचता है बोलते नहीं है ये कि भाई हम बोल के बोले कर नहीं यार मम्मी भाई हो ऐसे हो जो हो वो नहीं एहसास करते हैं जैसे शादी हाँ हमें दुख में टेंशन में कह के ठीक सब सही है समझाए. और जब खबर करते हैं ना बोलते नहीं है. सबसे बड़ी बात ये कभी बोलते नहीं है, एहसास करते हैं कि मम्मी जैसी होती टाइम पे खाना होता कछु चीज़ में तकलीफ हो जाती रंद सोते कोई दिक्कत नहीं उल्टो सीधो कहती मैं बाद में मना भी लेती. सोचते हैं बताता कोई नहीं है ना. भैया ने बताई लिख के गए समाज में तो कोई बताता नहीं. अच्छा तुम्हें कैसे पता चलता तो तुम्हें पता चलता है टीचर्स के थ्रू. टीचर बताते नहीं क्योंकि अपन साइकोलॉजी पढ़ते नहीं समझे. जो पढ़ रहे हैं वो सीखते हैं इन सारे थॉट्स के बारे में. आपने ये समझ लिया आप ये बात सीख गए ये थॉट्स चलते हैं. अब इसके हिसाब से जब आप कभी टीचर बनोगे तो आपकी साइकोलॉजी काम करती है. एक और तुम्हें शानदार एग्जांपल दें. छोटे छोटे बच्चे होते हैं स्कूलों में जो अपन देखते हैं छोटे छोटे बच्चे ज़्यादातर फीमेल स्टाफ क्यों रखते हैं. कभी तुमने देखा मेल स्टाफ जो छोटे छोटे उनके लिए रखते हो. क्योंकि मातृत्व होना चाहिए. भैया बोल गए थे है ना फैक्ट. अब और सुनना जब 7th 8th में आते हैं ना तो वहाँ पे एक कैटेगराइजेशन होता है. देखो वो क्या होता है 100 में से हम कब की बात कर रहे हैं 6th से जैसे ऊपर आते हैं. तो ये रिसर्च भैया ने करी थी बहुत सारे साइंटिस्ट ने की तो 60% जो होते ना या इससे ज़्यादा 60% प्लस जो बॉयज़ होते हैं ना बॉयज़ वो फीमेल टीचर से पढ़ना पसंद करते हैं. उनको एक अट्रैक्शन होता है एक वो होता है लगाव होता है कि चाहे वो माँ के जैसा हो बहन के जैसा हो एक अच्छे टीचर जैसा हो. बैड फीलिंग्स नहीं बता रहे एक बॉन्ड बन के पढ़ते हैं वो. 60% बोल रहे अभी 40 की बात नहीं कर रहे कछु नहीं भी पढ़ते उनको कोई यही पसंद नहीं होता है ना.
हम एक एग्जांपल दिखाते हैं, जैसे हमारे रियल में छठवीं से सातवीं तक कोई मेल टीचर फेवरेट था ही नहीं, जैन मैडम थी, श्रीवास्तव मैडम थी, और वही हमें बच्चे जैसा भी ट्रीट करती थी। मतलब एक बॉन्ड बनता है, भैया ने साइकोलॉजी पढ़ाई थी, बताया था, हाँ उस पर भी बात है, वो भी बताएंगे हम अभी साइकोलॉजी फिर कभी समय रहेगा देखेंगे, इंग्लिश से फ्री रहे तो, है ना। तो ये बात आ रही समझ में। अच्छा दूसरा, अब ये सब अच्छे मतलब होश में रहने वाले लोगों की बात हो रही है, ज्ञानी समझदार पढ़े लिखे होते हैं, जो अवेयर होते हैं, अच्छे होते हैं, है ना। अधो अधो के उधों की नहीं, उन्हें तो कोई पसंद नहीं आए ना मेल ना फीमेल के, कहा हट भाड़ में जा सुनाई नहीं। हालांकि बच्चे ये सब नहीं जानते, बस उनको पता होता है कि यार जी मैडम हमें अच्छी है, बहुत अच्छी पढ़ाती है, अपन तारीफ सुनते हैं, मैडम अच्छा पढ़ाती है, ये करती है, वो करती है, ओके, है ना। अब सुनना, इंडिया के बारे में एक चीज़ तो मैंने देखा है, और सेम इसके अपोजिट होता है गर्ल्स का। यदि कोई यंग मेल टीचर है और अच्छा पढ़ाता है तो वहाँ भी होता है। बैड रिलेशन की बात नहीं कर रहे, गुड रिलेशन, अंडरस्टैंडिंग, उसका रीज़न वो नहीं होता, रीज़न ये होता है कि यार एक नेचर ने बनाया है, है ना। जैसे माँ बेटे का, है ना, बेटी पिता का होता है, ऐसे टीचर से भी होता है, बट वो अट्रैक्शन होता है, उसको दिखता है कि यार ये ना मेरे लिए गॉड है, देवी की भी तो पूजा करते हैं, उनसे भी अट्रैक्शन होता है, तो वो बात है, बात आ रही समझ में। ऐसे इसके अपोजिट होता है लेडीज स्टूडेंट, मतलब गर्ल्स स्टूडेंट और मेल टीचर्स का, उनका भी अट्रैक्शन होता है। एक एग्जांपल है, अभी इंडिया में जितने जो मेडल्स मिले हैं ना, जितने जो बड़े बड़े गेम्स में खेलने गई, उनके जो टीचर थे ना वो मेल ही थे, फीमेल उनकी कोच थी, वो भी ट्राई कर लिए उनने, फीमेल कोच नहीं सिखा पाई, वो तो मेकअप की बातों में लगी रही थी लेकिन ये सही है कि मेल टीचर और जैसे मतलब अपोजिट का जो अपोजिट स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो अपने वो बातें नहीं करते जो ज़रूरी नहीं है, वो सिर्फ ज़रूरी बातें ही करते हैं, जैसे ताकि उससे टॉपिक नहीं भटकता और बात चलती है। अब इसी जगह पे जैसे फीमेल टीचर होती तो उनकी बातें मैच होने लगती हैं और वो बातों में घुस जाते हैं। अपनी कोचिंग से ही हम देख लें, वहाँ कुछ जो बच्चियाँ हैं कोचिंग जाती हैं, अब भी कहती कभी दिन भर मालूम है शादी श्रृंगार की बात करत रही जब अपने पास आ गए बताते हैं कि सच में सफर में की बात करत रही, गर्ल्स गर्ल्स मिल जाती हैं, जब बच्चियाँ बेटा तुम ये फ्रॉक पहन के क्यों नहीं है, बेटा तुम ये करके नहीं है उनके हाँ उनके दो घंटे में निकल जाते, कहानी आ रही समझ में, साइकोलॉजी है ये। हाँ अब मैडम भाई मैं खुश, अब मैडम जो पढ़ा बचा रही थी ना, अब मैडम जो पढ़ा बचा रही थी ना मैं भूल गई कहीं, अब तो तारीफ भी कल भी अच्छा लग रहा हूँ, हवा बोल रही है ये फैक्ट है ना। इसलिए इंग्लिश लिटरेचर जो डिपार्टमेंट है वो सक्सेसफुली जो नरसिंहपुर में चल रहा है ना, हमारे आदरणीय सर की वजह से, ठीक है ना, ये फैक्ट होता है। ये तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये दोनों कॉम्प्लेक्स के बारे में आपके सिलेबस में कीवर्ड्स में मेंशन है, तो ध्यान रखना अपनी लैंग्वेज में इनको मेंशन करके आना है। जब आप ईडीपस रेक्स कहानी से कुछ लिखो तो हल्का सा झलक अपने इन कॉम्प्लेक्स के बारे में दे देना, सामने वाला पड़ेगा कि मैदान में पूरी तैयारी के साथ, साजो सामान के साथ, पूरे हथियारों के साथ आई हो, समझ गए। ये हमारे कॉन्सेप्ट थे, ये बेसिकली ये ऑस्ट्रियन थे, यूरोप से ही थे, ये भी ध्यान रखना। क्लियर, खत्म, यस।